हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू असईस स्टूडेंट्स टुडेज अवर इंग्लिश लिटरेचर टर्न सो टुड विड इंग्लिश लिटरेचर टू डेज क्लास एंड स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर ट्वेल्व दिअपल्टी ऑफ अर इंग्लिश लिटरेचर बुस्टर स्टेंडेंट्स इन दिस चाप्टर ट्वेल्व दिअपल्टी टूडेजर टॉपिक इज समर्स्ट टू सिंब विष्णु पेज नंबर नाइनटी फोर सो ऑल स्टूडेंट्स प्लीज प्ली स्पेल अटेंड सर इन यो क्लास एंड लिसन टू मई क्लाली बिकॉज टूडे we are going to read and explain summary of first to sixth numbers stanza which is page number 94 of this chapter 12 the apple tree in our today's class okay so all students let's see chapter 12 students the name of the chapter 12 is the apple tree the apple it's been saved tree it's been pear the apple tree it's been shaped. ka pear okay स्ट्रेंड्स दिस चैप्टर ट्वेल्व दी अपल ट्री इज बेस्ड ऑन फॉरस्ट्री ये जो चैप्टर ट्वेल्व है ना द्री सेब का पेड़ ये फॉरस्ट्री पर बेस्ड है इट्स मीन जंगलों पर आधारित है ओके चैप्टर ट्वेल्व द्री वी सैल रीड अबाउट एन एप्पल ट्री ओके तो इस चैप्टर ट्वेल्व दी अपल ट्री में हम एक एप्पल ट्री के बारे में रीड करेंगे एक सेब के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे ओके स्ट्रेंड्स फर्स्टलीट्स यू वॉर्म अपट द नेम्स ऑफ द ट्रीज दिस लीव्स बिलोंग टू ओके इट्स मीन की पेड़ों के नाम लिखिए जिनसे ये पत्तियाँ संबंधित है ओके स्ट्रेंड्स लेट्स फर्स्ट नंबर पिक्चर स्टूडेंट्स इट्स अ लीफ ऑफ लोटस ओके लोटस का लीफ है सो ऑल स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर ओ इन द गिवन प्लान देन द करेक्ट स्पेलिंग बिकम एल ओ टी यू एस लोटस ओके स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकेंड नंबर पिक्चर स्टूडेंट्स इट्स अ पिक्चर ऑफ लीव्स ऑफ नीम ओके तो ये नीम के ट्री का लीव्स है ओके इट्स okay. मीन नीम के पौधे की पत्तियाँ हैं सो ऑल स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर डबल ई In the given blanks and then the correct spelling become and double em neem clear and since let's see third number picture which is last picture since it's the leaves of coconut. Okay, coconut leaves is so all strings right down here O O T in the given blanks and then the correct spelling become c o c o and C O C O N U T coconut clear. So since these are leaves of lotus, neem and coconut clear. So, students, Loter, it's been Kamal, Neem, it's been Neem, and Coconut, it's been narial clear? So, students, turn your page forward and open page number 94. In your English literature you book, as we well, said, because now we are going to read this chapter 12, the apple okay? रीड अ स्टोरी अबाउट अ सेल्फिश फार्मर हु फ्राम कटिंग डाउन एंड अपल ट्री रीड मीस पढ़िए एमिस एक स्टॉरी मिस कहानी अबाउट मिस बारे में ए मिस एक सेल्फिस मिस रोकता है स्टोरी अबाउट अल्फिश फार्मर हुम फ्रॉम कटिंग डाउन एंड अपल ट्री ओके एक, एक, okay. एक स्टार्थी किसान के बारे में एक कहानी को पढ़िए जिसका लालच उसे एक सेब का पेड़ काट कर गिराने से रोकता है ओके सो लेट्स रीड दिस फर्स्ट एंट्रा ऑफ दिस चैप्टर एप्पल ट्री ओके देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन अ फार्मर्स गार्डन ओके देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल ट्री इट्स मीन एक पुराना सेब का पेड़ था इन अ फार्मर्स गार्डन इट्स मीन एक किसान के बगीचे में ओके फार्मर मीन किसान गार्डन मीन बगीचा ओके देयर वाज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन अ फार्मर्स गार्डन इट्स मीन एक किसान के बगीचे में एक पुराना सेब का पेड़ था इट कुड नॉट बी अ फ्रूट एनिमोल अभी यह और अधिक फल नहीं दे सकता था बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना था ओके बट अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रास ओपर्स स्कैर स्पैरोज एंड अदर स्मॉल बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स लिव्ड इन द ट्री ओके बट मीन्स लेकिन अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स मीन की एक बहुत अधिक संख्या में एक बहुत बड़ी संख्या में ओके ग्रास ओपर्स इट्स मीन

गिलैरिया गौरैया और दूसरे छोटे पक्षी और कीड़े मकौड़े पेड़ में रहते थे क्लियर स्टूडेंट्स लेट्स सी सेकेंड नंबर स्टैंडर्ड ऑफ दिस चैप्टर वन डे द फार्मर डिसाइडेड टू कट डाउन द ट्री वन डे इट्स मीन एक दिन द फार्मर इट्स मीन किसान डिसाइडेड इट्स मीन निश्चय किया सेकंड फॉर्म ऑफ डिस निश्चय करना ओके या निर्णय लिया टू कट इट्स मीन गिराना डाउन वन डे दमर डिसाउन द ट्री इट्स मीन एक दिन किसान ने पेड़ को काट कर गिराने का निश्चय किया ओके तो एक दिन फार्मर ने सोचा कि मैं इस ट्री को ना कट करके डाउन कर दूंगा इट्स मीन इसे काट कर गिरा दूंगा ओके द ट्री हैज़ बिकम यूजलेस बट आई कैन मेक सम टेबल्स एंड चेयर्स विद द ओड ही थाट ओके ही मीन्स उसने थाट मीन्स सोचा थाट इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंग थिंक मीस सोचना विचार करना है थॉट मीन्स सोचा या विचार किया ओके तो ही थाट उसने विचार किया या उसने सोचा द ट्री हैज़ बिकम यूजलेस कि जो ट्री है ना वो यूजलेस हो चुकी इट्स मीन पेड़ विकार का हो चुका ये हमारे अब किसी काम का नहीं है ओके यूजलेस मीन्स होता है कि किसी भी प्रयोग का न रहना ओके जिसका कोई भी प्रयोग ना हो उसे बोलते यूजलेस तो उस फार्मर ने सोचा कि ये ट्री जो है ना ये यूजलेस हो गया इट्स मीन कि ये पेड़ मेरे लिए बेकार हो गया अब इसका कोई भी उपयोग नहीं है बट आई कैन मेक सम टेबल्स एंड चेयर्स विद द ओट ओट मीन्स लकड़ी डब्ल्यू डबल ओ डी ओके एंड टेबल्स मीन्स मेजे एंड चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ ओके तो उसने सोचा कि ये पेड़ मेरे लिए यूजलेस हो गया है अब इसका कोई उपयोग नहीं रहा है लेकिन मैं इसकी लकड़ी से कुछ मेजे

बहुत धारी दार इट्स मीन जिसमें बहुत ज्यादा धार हो ओके एक्स इट्स इट्स कुल्हाड़ी और प्रहार किया एट द रूट्स इट्स बिन जड़ों पर ऑफ द ट्री इट्स इन पेड़ की ही सार पैक्स एंड एट द रूट्स ऑफ द ट्री ओके तो उस फार्मर ने क्या किया उस फार्मर ने एक बहुत ही धार दार कुल्हाड़ी ली और पेड़ की जड़ों पर प्रहार किया ओके एट वंस द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द ट्री केम आउट ऑफ दियर होल्स एंड नेस्ट ओके एट और जैसे ही फार्मर ने उसकी उस ट्री के रूट्स पर स्ट्रक किया ओके okay, उस पेड़ की जड़ों पर प्रहार किया ना अपनी एक्स से तो क्या होता है कि तुरंत ही जो बर्ड्स थे पच्ची एनम और एनिमल्स इट्स मीन जानवर इन द ट्री पेड़ में ओके okay, बाहर आ गए केम इट इज सेम कम मिस आना केम इन आ गए आउट मीज बाहर ऑफ दियर इट्स मीन अपने होल्स मीज बिलो एनम नेट्स मीन घोसली ओके एट वंस द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द ट्री केम आउट ऑफ दियर होल्स एंड नेस्ट ओके तो जैसे ही उस फार्मर ने अपनी सार पैक से उस ट्री के रूट्स पर स्टक किया उस पेड़ की जड़ों पर प्रहार किया ओके okay, तो तुरंत ही जो उस ट्री में उस पेड़ में जो पक्षी थे और एनिमल्स थे ओके okay, जानवर थे वो अपने बिलों और अपने घोसलों से बाहर आ गए ओके लेट्स रेट नेक्स्ट टाइम प्लीज सेव दिस ट्री देव बैग डू दमर प्लीज मिस कृपया सेव मिस बचाइए दिस मींस इज ट्री मीस पेड़ दे मीस उन्होंने बैक मिस याचना की या विंटी की या अनुरोध किया द फार्मर इट्स मीन किसान ओके प्लीज सेव दिस ट्री दे द फार्मर ओके इट्स मीन स्टेंस क्या होता है कि जब उस फार्मर ने उस ट्री के रूट्स पर अपनी सार पैक से स्टक किया ना ओके उस पेड़ की जड़ों पर अपनी धारदार कुल्हाड़ी से प्रहार किया ना तो उस ट्री में जितने भी एनिमल्स थे और जितने भी बर्ड्स थे इट्स मीन जितने भी जानवर थे और जो पक्षी थे ना वो अपने होल्स और नेस्ट से बाहर आ गए अपनी बिलों और घोंसलों से बाहर आ गए और वे जो सारे एनिमल्स और बर्ड्स थे जो जानवर पक्षी थे वे तो उस फार्मर से रिक्वेस्ट करने लगे उस फार्मर से विनती करने लगे ओके याचना करने लगे बैक्ट करने लगे प्लीज सेव दिस ट्री इट्स मीन कृपया इस पेड़ को बचाइए ओके डोंट कट दिस ट्री इट्स मीन कि इस पेड़ को मत कट करिए इट इज़ अवर ओनली होम देख राइट ओके देख राइट इट्स मीन वे चिल्लाए ओके okay, क्या चल रहा है इट इज़ अवर ओनली होम इट मीन्स ये इट मीन्स है अवर मींस हमारा ओनली मीन्स एकमात्र या केवल होम मीस घर इट इज अवर ओनली होम इट्स मीन ये हमारा एकमात्र घर है ओके इट्स मीन कि इसके अलावा हमारा कोई घर नहीं है ओके बट द फार्मर ओनली स्टक हार्डर एट द रूट्स ओके बट मीन्स लेकिन द फार्मर मीन्स किसान ओनली मीन्स केवल स्टक मीन्स प्रहार किया हार्ड एंड मीस उससे भी ज़्यादा तेज हार्डर इट्स दम्पलेटिव डिग्री ऑफ हार्ट हार्ड मीनस तेज हार्ड एंड मीनस उससे भी ज़्यादा तेज ओके okay. तो अब जो फार्मर था उसने उससे भी ज़्यादा प्रहार किया एट द रूट इट्स मीन जड़ू पर बट द फार्मर ओनली स्ट्रक हार्डर ऐट द रूट्स लेकिन जो फार्मर था ना उसने क्या किया उसने उन एनिमल्स की और बर्ड्स की बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और वो उससे भी ज़्यादा तेज स्ट्रक करने लगा जड़ों पर उस पेड़ की रूट्स पर ओके okay, उस पेड़ की जड़ों जड़ों पर और भी ज़्यादा प्रहार करने लगा तेजी से ओके वी विल सिंग टू यू एज़ यू वर्क साडो दैट विल मेक यू हैप्पी सेट द स्क्स ओके वी विल सिंग टू यू ओके इट्स मीन की हम आपके लिए गाएंगे एज यू वर्क ओके एज इट्स मीन वेंचर यू मीस आप वर्क मीन्स कार्य करेंगे सेट मीन्स कहा सेड इट्स द सेकेंड फॉर्म ऑफ से मीन्स कहना सेट मीन्स कहा दैरोस इट्स मीन गौरैया ओके वी विल सिंग टू यू एज यू वर्क सेड द स्पैरोस अब गौरैया जो थी वो गौरैया सारी कहती हैं कि जब आप कार्य करेंगे ना जब आप वर्क करोगे तो हम गाएंगे आपके लिए ओके दैट विल मेक यू हैप्पी सेट द स्पैर ओके दैट मीन्स जो विल मेक इट्स मीन बनाएगा यू मीन आपको हैप्पी इट्स मीन प्रश्न या खुश सेट मीनस कहा द स्क्र स्क्वास इट्स मीन गिल्हारिया ओके दैट विल मेक यू हैप्पी सेट द स्वाल्स गिल्हारियो ने कहा जो आपको खुश कर देगा आपको प्रश्न कर देगा ओके okay? नेक्स्ट एंड जाओ बट द फार्मर डिड नॉट लिसन टू दैम बट मींस लेकिन द फार्मर मीन किसान डिड नॉट लिसन इट्स मीन नहीं सुना टू दैम इट्स मीन उन्हें बट द फार्मर डिड नॉट लिसन टू दैम इट्स मीन लेकिन किसान ने उनकी बात को नहीं सुना ही वेंट ऑन स्टिकिंग एट द ट्री हार्डर एंड हार्डर और वो उस ट्री के रूट्स पर अपनी शार्प एक्स से उससे भी ज़्यादा तेज उससे भी ज़्यादा हार्ड स्ट्रक करने लगा ओके उससे भी ज़्यादा अधिक तेज प्रहार करने लगा ओके ही वॉज इन अ हरी ही वॉन्टेड टू चॉप डाउन द ट्री बिफोर नून इस द मीनिंग ऑफ चॉप इज टू कट विथ अ शार्प टूल ओके टू कट इट्स मीन काटना विथ मीन से मीन एक शार्प मीन धारी टूल मीस औजार ओके टू कट विथ अ शार्प टूल इट्स मीन एक धारी औजार से काटना ओके

बिफोर नून इट्स मीन की नून इट्स मीन दोपहर ओके दोपहर से पहले कट करके डाउन करना चाहता था काट कर गिराना चाहता था ओके ही वॉज इनारी वटेड टू चौप डाउन द ट्री बिफोर नून इट्स मीन कि वह जल्दी में था वह दोपहर से पहले पेड़ को काट कर गिराना चाहता था अपनी धारीदार कु से कियाट सी नक्सटेंस ऑफ दिस चैप्टर

मोर शार्प जो बहुत ही ज्यादा शार्प थी है ना जो बहुत ही ज्यादा धारी दार थी वन मोर टाइम एक बार और ओके एज द फार्मर राइज हिज एक्स वन मोर टाइम और जैसे ही किसान ने एक बार और अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया ओके okay, इस चक करने के लिए ट्री के रूट्स पर ओके ही मीन्स उसने शामिज देखा समथिंग मीन्स कुछ इन मीज मे दलो द मीनिंग ऑफ होलो अ होल और एन इम्पटी स्पेस इन साइड इट्स मीन की अंदर की ओर एक खाली स्थान या बिल होना ओके अंदर की ओर एक खाली स्थान या एक बिल होना उसे बोलते हैं होलो ऑफ द ट्री इट्स मीन में, ओके तो स्टेंट्स क्या होते हैं कि एज द फार्मर राइज हिज एक्स वन मोर टाइम ही सा समथिंग इन द होलो ऑफ द ट्री ओके तो जैसे ही किसान ने एक बार और अपनी कुल्हाड़ी को ऊपर उठाया ट्री के रूट्स पर स्टक करने के लिए ओके पेड़ की जड़ों पर प्रहार करने के लिए तो उसने क्या देखा उसने देखा कि पेड़ में एक खाली स्थान है एक बिल्सा है ओके इट वास बी हाइव ओके इट मीन्स यह वास मींस था ए मीज एक बी हाइव स्टूडेंट्स द मीनिंग ऑफ बी हाइव इज होम ऑफ बीस ओके होम इज घर ऑफ मीन्स का बीस मीन्स मधुमक्खियाँ होम ऑफ बीस इट्स मधुमक्खियों का घर ओके वी कॉल्ड होम ऑफ बीस बी हाइव ओके मधुमक्खियों के घर को हम बोलती है बी हाइव

यू हेव नो प्रॉब्लम इन अनी स्टैंडर्ड इन एनी लाइन इन एनी वर्ड इन दी स्टैंडर्ड्स फर्स्ट टू सिंब स्टैंडर्स ऑफ दिस चाप्टर ट्वेल्व दपल्टी ओके स्ट्रेंडेंट्स आएम गोइंग टू डिस्क्राइब योर क्लास वर्क एंड होम वर्क सो ऑल स्टूडेंट्स लिसन टू मई वर्ड्सली स्टूडेंट्स स्टूडेज और क्लास वर्क इज दट रीड एंड ट्राई टू फाइंड आउट द समरी ऑफ दी स्टैंडर्स फर्स्ट टू सिंब स्टैंडर्ड्स नंबर नाइटी फोर ऑफ दिस चैप्टर ट्वेल दी अपल्ट्री एंड सेन्ड मोर वॉइस रिकॉर्डिंग इट्स अर टूडेज क्लास वर्क एंड स्टेंट स्टूडेस और होम वर्क इज दैट learn one meaning stuck tube raised hollow and beehive of this chapter 12 the apple tree from your english literature book as we to, it, it's your today's homework okay so all students firstly complete your classwork read and try to find out the summary of these standards first to six number standards which is page number 94 of this chapter 12 the apple tree from your english literature book as we to, and send me your voice recording here thank you